नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है, यहां पे 3:25 पे एग्जैक्टली अपडेट शेयर करी गई है अदानी ग्रुप की ऑफिशियली तरफ से, अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से, और खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, रिसेंटली अदानी ग्रुप में जो कुछ हुआ है आप सभी ने देखा, लेकिन एट द एंड अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, ये आप और हम क्लियरली देख पा रहे हैं। बीच बीच में कोई ना कोई नेगेटिव खबर जरूर आती है, कुछ ना कुछ ट्रिगर आता है, बट स्टॉक्स एक आध दिन नेगेटिव रिएक्शन देने के बाद दोबारा ऊपर चल देते हैं, और काफी शानदार पैसा भी बन रहा है अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में निवेशकों का। इसी के चलते निवेशकों के दोबारा से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फेवरेट बनते हुए दिख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी कह चुका हूं कि भैया जिसके पास भी है वो होल्ड करें, बेचना नहीं है, समय देना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि आपको सिखाता है लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदारी करना। और ये अदानी ग्रुप नहीं, कहीं भी हो चलेगा। अब आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पूरा पैसा डाल दोगे तो उस सेक्टर में अगर तेजी नहीं है तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया, उस सेक्टर के लिए कुछ खराब खबर है तो आपका पैसे का नुकसान हो रहा है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पैनिक प्रॉब्लम होगी वो झेल नहीं पाता आम आदमी। कहने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म में तो बनी जाएगा, वो मजबूरन रुक जाए तो रुक जाए, अदरवाइज झेल नहीं पाता है। तो एक जगह सारा पैसा डालना मेरे को तो एक बेवकूफी लगती है। बाकी बहुत से लोग हैं जो ये काम करते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं, तो सबका अपना अपना व्यू है, बट एज अ वीडियो क्रिएटर मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा एक डिसिप्लिन वाली चीज है कि आप लिमिटेड पैसा ही रखें एक पर्टिकुलर सेक्टर में। अदानी ग्रुप में कोई निवेश करना चाहता है तो वो अपनी पूरी डीमेट अकाउंट में जो पैसा है उससे 10% से ज्यादा ना निवेश करें, ये मेरे को लगता है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आ जाता हूं खबर के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ बड़ी खबरें आई हैं अदानी एंटरप्राइजेस की बात की जाए, प्रमोटर एक्वायर्ड 2.06% स्टेक इन कंपनी विया ओपन मार्केट बिटवीन 21st अगस्त टू सेप्टेम्बर 7। 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में प्रमोटर्स ने अदानी ग्रुप के अदानी एंटरप्राइजेस में खुद ही खरीदारी करी है ओपन मार्केट से, और ये लगभग 2% के करीब की खरीदारी करी है, तो बड़ी बाइंग बोलूंगा मैं इसे। और ये कुछ इंटरेस्टिंग शो कर रहा है, यानी कि एक तरफ आपके पास पैसा नहीं है डेट पे करने के लिए, आप कभी कभार ओएफएस ला रहे हो, सॉरी डायरेक्ट शेयर्स बेच रहे हो अपने एफआईआईज को, और यहां आप अपने शेयर्स में खरीदारी कर रहे हो, उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो निवेशकों के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ी खुशखबरी है मेरी नजर में कि भैया कंपनी अपने शेयर में और खरीदारी कर रही है। नेक्स्ट एक और स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, प्रमोटर एक्वायर्ड 2.17% का स्टेक इन कंपनी विया ओपन मार्केट बिटवीन 14th अगस्त टू 8th सितंबर। तो अदानी पोर्ट्स में भी लगभग 2% के समथिंग की खरीदारी करी है 14 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ओपन मार्केट से, बड़ी बाइंग की ये अपडेट आते हुए दिख रही है, और दोनों स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर इन दोनों में ही आप कंपेयर करोगे तो अदानी एंटरप्राइज से ज्यादा अदानी पोर्ट्स ने आउट परफॉर्म कर रहा है, पूरे अदानी ग्रुप की बात करो तो अदानी पावर आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए GQG फंड खरीदते हुए दिखे हैं, गोल्डमैन सैक्स खरीदते हुए दिखे हैं, बड़े FIIs खरीदारी कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ प्रमोटर का नाम जब सामने आ रहा है तो अपने आप में बड़ी खबर हो गई है। अदानी एंटरप्राइज की बात की जाए तो 2350 रुपये पे आपके साथ बहुत शेयर किया मैंने, 2500 रुपये पे भी कुछ खराब नहीं दिखता है स्टॉक, कोई डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक दोबारा 3000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। वैल्यूएशन वगैरह तो देखो सब महंगे अदानी ग्रुप के, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, ना आप ना मैं। एक समय पे 400 के पीई पे था, आज 100 के पीई पे है, स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा ये, बट आपको लिमिटेड पोजीशन बनानी है। कोई भी कितना भी कुछ बोले लेकिन लिमिटेड पोजीशन बनाओगे तो वॉलिटिलिटी बर्दाश्त कर पाओगे, मेन पर्पस है वॉलिटिलिटी बर्दाश्त करना। अब अगर आप यहाँ पे इतना ज्यादा खरीद लेते हो और कल को कोई नेगेटिव खबर आके 5% नीचे हो जाता है, आपकी पोजीशन कटेगी बिना बात की, लेकिन लिमिटेड खरीदोगे तो आप होल्ड कर पाओगे गिरावट में और खरीद पाओगे। ये दो चीज कर ली ना तो पैसा बनने लगेगा अदानी ग्रुप में, मैं आपसे कह रहा हूँ। 2450-2400 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली जो करेक्शन आई थी OCCRP की रिपोर्ट के बाद, वहां भी मैंने कहा था ये लेने का मौका है, छोड़ना मत, जिसने लिया उसने पैसा बनाया। ऐसी कोई भी टिप और आती है तो आप खरीदने के मौके ही ढूंढें। अदानी पोर्ट्स की बात की जाए तो ये थोड़ा ऊपर आ गया 825, यहां मेरा उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, ऑलरेडी ऊपर हो गया है काफी ज्यादा। जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए तो कोई बड़ी टिप आएगी तो इंटरेस्टेड हूं मैं, अदरवाइज इसका तो बिल्कुल सेम टू सेम अदानी पावर जैसा हाल है कि ऑलरेडी भागा हुआ शेयर है। अदानी पावर भी हमारा 400 का लक्ष्य है, वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 900-925 हो सकता है, तो अब ये 8-10% के लिए अदानी ग्रुप में पैसा कोई लगाना ही नहीं चाहता। अदानी ग्रुप का मतलब है पैसा डबल करो भैया।
तो वो एक अगर आपका व्यू है तो थोड़ा सा वेट करें किसी डिप का या फिर कहीं और निवेश करने के मौके ढूंढें। बाकी खबर दोनों ही स्टॉक्स के लिए बहुत पॉजिटिव आते हुए दिख रही है जो मैंने भी आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।